वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे सीएटीएस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, देखिए अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग का व्हाट्सएप पे मैसेज है कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ कराएंगे, नियरेस्ट में कराएंगे कि दूर में कराएंगे, ट्रेन नहीं चल रहा है ना, बस वगैरह बंद है, तो क्या जहाँ पे कॉलेज अलाउड होगा वहाँ कराएंगे, कहाँ कराएंगे, ये सब काफ़ी डाउट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी, किस प्रकार कॉलेज मिलेगा और किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ होगा। ठीक है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम ये कह दें कि थोड़ा सा ये जान लें कि सीआईटीएस में जो लोग एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एक बात को ध्यान रखेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप सीआईटीएस एडमिशन के लिए हर एक स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, सही मिलेगा। ठीक है, जो जानकारी मिलेगा सही मिलेगा। और एक चीज़ ये भी कह दें कि सीएटीएस एडमिशन में काफ़ी सारे आपको सुनने को मिल जाएगा अलग अलग जगह से कि सीएटीएस में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। ठीक है, कभी कोई कुछ बता देगा, तो आपको क्या करना है, पहले कन्फर्म होना है, जहाँ से आपको जिस चैनल पे जहाँ पर आपको विश्वास हो वहाँ से आप कन्फर्म होए, है ना। हम किसी को पर्सनली नहीं कहते हैं कि वो अच्छा है वो खराब है, हमको उससे मतलब है नहीं, है ना, किसी से हमको कोई टेंशन नहीं है, है ना, सब अपना अपना जगह पर ठीक है। ठीक है, चलिए तो आपको ध्यान क्या देना है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाने के लिए सोचा था कब, जब रिजल्ट आ जाता तब। ठीक, लेकिन काफ़ी लोग का मैसेज आया इसलिए हम बना रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ को समझ के आगे बढ़ना है। देखिए अभी क्या होगा, रिजल्ट आएगा, कॉलेज चॉइस करने के लिए आएगा, तब ऐसा नहीं कि हर बार में कॉलेज को तुरंत चुनिए लिए, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा। आप देखें ना कि काफ़ी लोग हर बार में फॉर्म भरा, किसी का सिग्नेचर गायब हो गया तो किसी का फोटो ही गायब हो गया, फोटो ही नहीं था। ठीक है, तो हर बार में नहीं चलना है। ठीक है, देखते हैं हर बार में वीडियो हम लोड करते हैं, नहीं करते, हम चाहें तो बहुत सारे वीडियो हम लोड कर दें एक ही दिन में, क्यों नहीं करते, क्योंकि कोई भी चीज़ को किसी को जानकारी देने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या वो सही है, जो हम बताने वीडियो में बताने जा रहे हैं क्या वो सही है, कितना परसेंट सही है ना। जब सही रहता है तभी वीडियो हम बनाते हैं। मेरा क्लास का भी, मेरा राजन आईटीआई 2.0 दूसरा चैनल है, न्यू चैनल मेरा ही चैनल है, राजन आईटीआई 2.0 पर भी आप देखें, मैथ लोड हो रहा है, डब्ल्यूसीएस व्हाट्सएप कम्युनिकेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग लोड, वहाँ पर भी देखें कि आपको कितना समझ में आता है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को आप समझाते हैं या किसी को आप बताते रहें तो वो सही होना चाहिए। ठीक है, मेरा में काफ़ी सारे कॉल आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो जिस क्वेश्चन के बारे में जो पॉइंट है उसके बारे में अगर हमको जानकारी नहीं रहता तो डायरेक्टली हम बोलते हैं कि इसके बारे में हमको पता नहीं है, क्योंकि बिना जानकारी के किसी को कुछ से कुछ बता देना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, और सही हम नहीं मानते हैं। इसलिए सही नहीं मानते हैं क्योंकि जब कोई भी चीज़ को बता रहे हैं अगर वो सही नहीं है, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है कि कितना परसेंट सही है, तो उसको बता करके किसी को इधर उधर फटकाना, परेशान करना, ये एकदम सही नहीं है। क्लियर, इसलिए वही चीज़ हम बताते हैं। मेरा वीडियो आने में लेट होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम उसका जो नोटिफिकेशन गाइडलाइन है वो पढ़ने के बाद, ऑफिस जो भी डाउट रहता है ऑफिस कॉल करने के बाद ही हम वीडियो को बनाते हैं, जिससे क्या हो कि मेरा वीडियो देख के किसी को परेशानी ना हो। जैसे अब एक उदाहरण देते हैं, कहाँ पे कौन कहा पता नहीं कि 25 सितंबर को जो है रिजल्ट आ जाएगा, 4 बजे टाइमो दे दिया था, 4 बजे की 5 बजे कई बजे कहा था पता नहीं, एक कॉल आया कि सर आपने बोला था 25 को शाम को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया नहीं। मैंने क्या बोला कि मेरा वीडियो में मैंने डेट तो कभी नहीं दी, तो फिर बाद में कहा नहीं सर आपका वीडियो नहीं किसी दूसरा का वीडियो है, तो हमको क्या पता दूसरा क्या कह रहा है, हम ना तो किसी को खराब कहेंगे ना तो कुछ कहेंगे, है ना, क्योंकि सब अपना जगह पर ठीक है। दूसरा बात, पिछले बार की थोड़ा सा हम बता देते हैं जिससे आगे आपको परेशानी ना झेलना पड़े। पिछले बार की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, कौन कहाँ से वीडियो देखा नहीं देखा पता नहीं, उसमें बताया गया वीडियो में कि कानपुर में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, कानपुर में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। ठीक, वहाँ भी गया,
वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कॉल किया कि सर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कहाँ हो रहा है, यहाँ तो बोला कि जिसका लिस्ट में नाम है उसी का एडमिशन होगा। मैंने पूछा कि आपको कौन बोला, तो फिर उन्होंने बताया कि कहीं पे मैंने देखा कोई वीडियो में। हमने कहा कि जिस वीडियो में आपने देखा आप उसको कॉल कर सकते हैं, है ना, मेरा वीडियो का बात है तो आप हमको कॉल करें, हम उसका जवाब देंगे, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपना जहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को ना तो ख़राब कर रहे हैं ना तो किसी को कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सब अपना जहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहाँ आते हैं सैटेलाइट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, क्लियर। रिजल्ट आने के बाद आप वहाँ पे मार्क्स देख पाएंगे, आप जब लॉगिन करेंगे तो मार्क्स वहाँ पे कितना आपका नंबर आए वो दिखाएगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा हर एक साल जो है रूल चेंज होता है, हर एक साल चेंज होता है, इसीलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने पे अच्छा रहता है ना। आपको वहाँ पे मार्क्स दिखाएगा, पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, मार्क्स दिखाएगा, मार्क्स आपको कितना आया। मान लीजिए आपने लॉगिन किया, आपका नंबर आ गया 50, क्लियर। आपका ट्रेड है मान लीजिए फेटर, कोई भी ट्रेड हो, कितना मार्क्स आ गया, 50 मार्क्स आ गया, तो आपको 5 कॉलेज चुनने का ऑप्शन देगा। आप 5 कॉलेज को चुन लेंगे, उसके बाद फिर कॉलेज चुनने के बाद एक वो लिस्ट लोड करेगा, वो लिस्ट में दिखाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, ठीक। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वहाँ पे जो है डेट देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, लाइक भी करिएगा, समझ में आ रहा है, कमेंट में भी लिखिएगा, ठीक है, समझ में आएगा तभी ना हम बनाएंगे, नहीं तो मेरा भी टाइम बर्बाद होगा, आपका भी बर्बाद होगा, फ़ायदा क्या है टाइम बर्बाद करने से। समझ में आ गया, लाइक ज़रूर करिएगा, समझ में आएगा तब, ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए आपको कॉलेज मिलेगा। अब मेन जो पॉइंट था, जो वीडियो बनाने का मतलब था, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा वो कहाँ होगा। तो देखिए 2019 की बात की जाए तो 2019 में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नियरेस्ट NSTI में हुआ था। नियरेस्ट मतलब जो नज़दीक आपका है, जैसे कोई मान लीजिए कि कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर में रह रहे हैं, तो उनका नज़दीक कौन पड़ेगा, कानपुर, तो उनका एडमिशन कहीं भी होगा, आप कानपुर में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक स्लिप देगा, उस पर डन करके देगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वो आपको देगा, वो आपको रखना है, फिर जहाँ आपको एडमिशन होगा वहाँ जाकर दिखाइएगा आपका डॉक्यूमेंट्स, ओके, क्लियर। अगर किन्हीं का इलाहाबाद नज़दीक पड़ता है तो वो इलाहाबाद में कराएंगे, क्लियर। इस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स ओनली आप रेडी रखेंगे, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप हड़बड़ाए नहीं, इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद हम फिर वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। खाली हड़बड़ में कॉलेज मत चुनना है, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि फॉर्म जिसे हड़बड़ में भरा है, किसी का फोटो गायब, किसी का जो है सिग्नेचरें गायब हो गया, एडमिट कार्ड में आया था, काफ़ी लोग का ट्रेडे गलत आ गया था। हड़बड़ में नहीं करना है, सब जो भी डाउट होगा नंबर तो होगा ही, 9060582842 6 PM to 7 PM, ठीक है। और रिजल्ट आएगा तो एक टाइम और दे देंगे, 90 60 58 28 42, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छा से पढ़ेंगे, क्लियर हो गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। और भी जो सैटेस से संबंधित जानकारी है वो आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होगा, जो डाउट होगा, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो मैंने गाइडलाइन जो मैंने आपको बताया वो भी समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने वीडियो में ये नहीं कहा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, क्योंकि हम किसी को खराब नहीं कह सकते, क्लियर, सब अपना अपना जहाँ पर ठीक रहता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आप इंतज़ार करें रिजल्ट का, मेन तो रिजल्ट आना है, रिजल्ट का आप इंतज़ार करें। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ की क्लासेस राजन ITI 2.0 पे है, मेरा नया चैनल है, वहाँ से जाकर के आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS का तैयारी करें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।